सरगुजा के हुंडई कार शोरूम के जनरल मैनेजर पर लगभग 1 करोड़ का घोटाला करने के आरोप मैनेजिंग डायरेक्टर ने लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल कृष्णा ऑटो राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अंबिकापुर के गांधीनगर थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनका एक शाखा अंबिकापुर के मनिंद्रगढ़ रोड पर कृष्णा हुंडई के नाम से संचालित है, जिसके वरिष्ठ प्रबंधक दीपेश कुमार सिन्हा है। उनके द्वारा कंपनी के नए एवं पुराने गाड़ियों की बिक्री की रकम कंपनी के खाते में न डालकर धोखाधड़ी करते हुए लगभग 94 लाख रुपए का गबन कर वह रफू चक्कर हो गए, जिसके संबंध में उन्होंने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कंपनी के डायरेक्टर का यह भी आरोप है कि दीपेश कुमार सिन्हा लगभग 14 वर्षों से कंपनी में कार्यरत थे। दीपेश सिन्हा को शोरूम की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। वर्कशॉप, अकाउंट, स्टाफ आदि की सभी की देखरेख दीपेश सिन्हा के द्वारा की जाती थी। 2021 में जब कंपनी के अकाउंट डिवीजन द्वारा बताया गया कि गाड़ियों का सही तरीके से स्टॉक के मिलान नहीं हो पा रहा है, तब गंभीरता से इसकी जांच की गई। तब पता चला कि दीपेश सिन्हा ने कई नई व पुरानी गाड़ियों को कस्टमर को बेच दिया और उनका उसका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा करा लिया। वहीं कस्टमर से पैसे कंपनी के खाते पर न देते हुए अपने निजी खाते पर लेन देन कर लिया गया। जब इसकी कंपनी द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने यह स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। उसने कंपनी को पैसे ब्याज सहित वापस लौटाने की बात कही थी, मगर वह उसके बाद फरार हो गए। वहीं कंपनी के मालिक ने मजबूरन उसके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसकी गिरफ्तारी कर पैसों की वसूली की मांग की है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी ताकि इस प्रकार से और भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है, भविष्य में दूसरे लोग इस प्रकार से नुकसान न पहुंचाएं। बहरहाल गांधीनगर पुलिस ने धारा 420, 409, 467 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच आरोपी की पता साजी कर रही है। ये थी गोल्डी गजोरिया की खास रिपोर्ट। अंबिकापुर में मेरा जो जीएम है दीपेश सिन्हा नाम है उसका, उसने अभी कुछ 8 गाड़ी तो हमारे ऑडिटर पकड़ में आई थी, उसने अवैध रूप से लोगों से साठ काट करके गाड़ी को बेच दिया है, जो कि उसको अधिकार नहीं था, और कैश ट्रांजेक्शन आपस में साठ काट करके कैसे भी कस्टमर के साथ किया है। और साथ में कुछ 40 पुरानी गाड़ियां हैं जिसको कि पानी के भाव में बेचना दिखा के लोगों को लाखों रुपए की गाड़ी कुछ 1,000, 2,000, 8,000 रुपये में बेचना दिखा के गबन किया है, और कैश का अलग गबन किया। लगभग कितने की गबन होगी? 1 करोड़ रुपये की तो नई गाड़ियों का गबन है, और तकरीबन इतना ही पुरानी गाड़ियों का गबन है। टोटल ऐसा मुझे उम्मीद है कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए का गबन टोटल होना चाहिए। आपके द्वारा क्या सूचना दी गई है? इसे पुलिस में इसकी पूरी सूचना दे के नई गाड़ियों में जो गबन किया उसकी FIR कर दी गई है, और पुलिस विभाग से पूरा सहयोग मिल रहा है हमें, और पुलिस विभाग पूरे उसकी जाँच कर रही है। आपको कैसे पता चला कि ये गबन हुआ? ये हमें जब ऑडिट हुआ तब हमने देखा कि गाड़ियाँ स्टॉक पर दिखा रही है, और जाके देखा था फिजिकली स्टॉक पर नहीं था, फिर दिखा के फर्जी रूप से इसने सब ट्रांजेक्शन करके कुछ लोगों से मिल भगत के गाड़ियों को गड़बड़ किया है। क्या लगता है और इसमें कौन कौन सा लिप्त हो सकता है? इसके अभी हमें जांच चल रही है, तो अभी उसके पकड़ में आने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे और कोई लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं। लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? लोगों से कि दीपेश सिन्हा से सावधान रहें, और उसे कहीं भी देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें कि ये व्यक्ति यहाँ पर है, जिससे कि और लोग हमारे जैसे भ्रमित होकर उसके धोखे में ना आए, क्योंकि वो हमारा बहुत पुराना आदमी था और उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है, तो लोगों के साथ भी वो अवश्य कार्य कर सकता है। कितने साल से आपके भैया? हमारे यहाँ 14 वर्ष से कार्य कर रहा था, और पहले पूरा विश्वास के साथ हम काम कर रहे थे, लेकिन ये गड़बड़ छोटा मोटा जो भी रहा होगा अभी उसने बड़ा गड़बड़ करके किया, जिससे हमें बड़े परेशान हैं। अंबिकापुर स्थित कृष्णा हुंडई जिसके प्रोप्राइटर गौरव मोदी जी हैं, उनकी शिकायत पर एक FIR गांधीनगर थाने में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें IPC की धारा 420, 409, 467 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके जिस हुंडई एजेंसी में काम करने वाले जो GM थे उन्हीं के खिलाफ उन्होंने यह अपराध पंजीबद्ध कराया है, जिसमें आरोपी का नाम दीपेश सिन्हा है। इसमें हमारी जो है विवेचना जारी है, विवेचना के दौरान आए तथ्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने की
उनका जो आरोप है वो लगभग 94 लाख रुपए का इसमें धोखाधड़ी का उनका आरोप है, जिसकी अभी विवेचना की जा रही है। कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? जैसा मैंने बताया कि उपरोक्त मामले में चूंकि ये धोखाधड़ी का मामला है, इसमें अन्य लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है और जो भी दस्तावेज है और उनके भी उसमें जांच की जा रही है, उसके आधार पर इसमें जैसे ही आरोप प्रमाणित पाए जाएंगे जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।